अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज यूएचएस लाहौर ने अपने अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स के दाखिलों का ऐलान कर दिया है फॉर एकेडमिक सेशन 2019-20 के लिए। उसको हम डिस्कस करेंगे उनकी फ़ी के हवाले से, नंबर ऑफ सीट्स के हवाले से, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, 5 साला प्रोग्राम है, 40 सीट्स हैं, एनुअल सिस्टम है और पंजाब का डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम का स्टूडेंट जिनके इंटर में 70% से बिलो मार्क्स थे लेकिन 60% मार्क्स हैं उनके इंटर में और उनका मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन्स के लिए वो एलिजिबल नहीं थे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो इन प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है बीएस पब्लिक हेल्थ, 4 ईयर प्रोग्राम है, 40 सीट्स हैं, पूरे पंजाब के आप स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए जो है वो मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं आपके एमडी कैट जो कि 2019 में जो यूएचएस ने लिया था। इसी तरह बीएस जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए 4 ईयर प्रोग्राम है, 35 सीट्स हैं, सेमेस्टर सिस्टम है। इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जो है वो आपका एफए या उसके इक्विवेलेंट मिनिमम 60% मार्क्स का होना जरूरी है। इसी तरह बीएस बायोमेडिकल साइंसेज, इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए आपके इंटर में 60% मार्क्स का होना जरूरी है और जो एनटीएस का नेट टेस्ट हुआ था जो कि एनटीएस लेता है और तकरीबन उसने साल में 7-8 दफा लेता है, अगर आपने वो दिया हुआ है उसमें मिनिमम 60% मार्क्स लिए हुए हैं तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इन प्रोग्राम्स के लिए। मेरिट कैलकुलेशन का तरीकाकार वही होगा जो कि एमबीबीएस बीडीएस के लिए है, 50% इंटरमीडिएट के जो है वो मार्क्स की वेटेज को लिया जाएगा और 50% जो है वो आपके जो एडमिशन टेस्ट हुए थे उसकी बेस पे आपको जो है वो मेरिट कैलकुलेट किया जाएगा। अप्लाई करने का तरीकाकार जो है वो आप ऑनलाइन भी, जो कि हम अगले लिंक में आपको बताएंगे कि ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई करेंगे और फी भी हम इस नेक्स्ट स्टेप में आपसे फी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ मैनुअल भी आपने उसका प्रिंट आउट लेके सबमिट कराना है। हर प्रोग्राम में सेपरेट अप्लाई करने के लिए 2000 रुपये की जो है वो फी है और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 30 जनवरी 2020 जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए और जो एडमिशन का शेड्यूल है वो 30 जनवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, लास्ट डेट है। हिफ्ज़े कुरान का टेस्ट होगा सिर्फ डीपीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो डॉक्टर फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। 31 जनवरी को होगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट 7 फरवरी को लगेगी, 2nd 18th को, 3rd 25th को और 2nd मार्च से एक्सपेक्टेड है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेज प्रोग्राम्स के दाखिलों क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर सके। अब हम चलते हैं फी के हवाले से, फी क्या होगी और एडमिशन का तरीकाकार किस तरह से होगा। आप यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पे जाएंगे, uhs.edu.pk/admissions.php टाइप करेंगे जो कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम सेशन 2019-20। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा जिसमें तमाम तर डिटेल्स होंगी। जब आप उन तमाम तर डिटेल्स को स्टडी करने के बाद आप उसको जब एग्री करेंगे तो एक नया लिंक खुल जाएगा, उसमें आपने जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, मिसाल के तौर पर अगर आपने डॉक्टर फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करने से पहले जो है वो उसकी फी डिटेल देख लें। 2,50,000 रुपया ट्यूशन फी है पर ईयर डॉक्टर फिजिकल थेरेपी प्रोग्राम की यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। फर्स्ट ईयर जो टोटल फी बनेगी वो 2,90,000 है और नेक्स्ट ईयर से 2,50,000 जो है उसकी फी होगी। अप्लाई कर अगर आप करना चाहेंगे इस प्रोग्राम में तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया लिंक ओपन हो जाएगा। लेकिन हम उस नए लिंक को ओपन करने से पहले बकाया प्रोग्राम्स की भी फी को डिस्कस कर लेते हैं। बीएस पब्लिक हेल्थ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी जो फी है वो 60,500 पर सेमेस्टर उसकी जो है वो ट्यूशन फीस है और 10,000 जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि आपको वंस पे करनी है। इसी तरह अगर आप बीएस बायोमेडिकल साइंसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी भी जो फी है वो सेम 60,500 है और इसी तरह अगर आप बीएस जेनेटिक एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसकी भी 60,500 पर सेमेस्टर जो है वो ट्यूशन फीस है। आप जैसे अगर मिसाल के तौर पर अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आप इन चारों प्रोग्राम्स में से जिस भी प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, इस तरह का फॉर्म आपका आ जाएगा, उसको आप फिल करेंगे, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, उसको सबमिट करेंगे। बैंक की जो अपनी डिटेल, जैसे कि हमने आपको बताया था 2,000 रुपये का बैंक चलान जो कि आपने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि जिसकी डिटेल जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट में दी गई है, शेख जायद हॉस्पिटल ब्रांच लाहौर जो ये अकाउंट नंबर है, इनके थ्रू जो है वो अपने पे ऑर्डर लेना है और पे ऑर्डर जो होगा वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के नाम होगा, उसके थ्री आपने जो है वो इसको सबमिट कर देना है।
तो वो तमाम तो स्टूडेंट जिनके इंटर में 70% से बिलो मार्क्स हैं और वो मेडिकल के किसी न किसी फील्ड में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो अप्लाई करें इसमें। और अगर आपके 60% से अबव मार्क्स हैं और 70 से बिलो हैं तो आप जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 70 से ज्यादा नहीं है आपके, जो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये हम इस एंगल से बात कर रहे हैं कि जो 60% और 70% के दरमियान वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो, चूंकि MBBS BDS का ऑप्शन ऑलमोस्ट उनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहे हैं, तो उनके लिए जो है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और वो तमाम तक जो आपके दोस्त जो कि इंटर में 70% से बिलो हैं और वो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, ताकि उनकी हेल्प हो सके।